वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान अब्बास, शौक की बात कामरान के साथ, प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त हमारे जो आज मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान हैं नाज़रीन, जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 2009 में पहली दफ़ा वो चैम्पियन हुए, सियालकोट चैम्पियन, और 7 दफ़ा जेठ और बैसाख में टोटल जो चैम्पियनशिप का एज़ाज़ उन्होंने हासिल किया। और आज तक के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं अभी तक, वो अमूमन टॉप 3 में उनका नाम ज़रूर आता है। उस्ताद आशिक हुसैन, बाजियाँ या 1-to-1 मुकाबले जिनको हम कह लें, वो भी तकरीबन इनका रिज़ल्ट 97% रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक खिलाड़ी हैं, और उसके साथ साथ ब्रीडिंग का भी बहुत अच्छा इनका जो है रिकॉर्ड है, बड़ी अच्छी इनकी ब्रीड्स हैं। उनमें कोर कमांडर आजकल बहुत ज़्यादा हर किसी की जो है ज़ुबान पर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो दूसरे मेहमान हमारे हैं, दादा के ज़माने से कबूतर परवरी का सिलसिला उनका चल रहा है, और इस दफ़ा भी 63 घरों से उनके 1-to-1 मुकाबले थे, 61 घरों को उन्होंने जो है इस दफ़ा शिकस्त दी है। बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द हैं, जनाब उस्ताद मलिक बाबर, पैरागॉन सिटी वाले। हम इनसे बात शुरू करेंगे। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है, क्या सियालकोटी कबूतर सियालकोट के अलावा किसी दूसरे शहर में भी बेहतर परवाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। तमाम तर पॉइंट्स जो इसमें कन्फ्यूजन्स हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा उस्ताद आशिक हुसैन साहब से कि वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी उस्ताद मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्ताद मोहतरम, जो आज का हमारा टॉपिक है, क्या सियालकोटी कबूतर सियालकोट के अलावा किसी दूसरे शहर में भी परवाज कर सकते हैं या नहीं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल कामरान भाई, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पुराने असातिज़ा थे वो बॉडी स्ट्रक्चर को जो है ना, मतलब बहुत अहमियत देते थे, और बॉडी स्ट्रक्चर में मतलब पुराने उस्ताद जो थे हमारे सियालकोट के, वो मतलब छाती चौड़ी और दुम जो है वो मतलब एक पत्ता नज़र आना चाहिए दुम का, तो इस चीज़ को अहमियत देते थे। सही। तो जब बॉडी स्ट्रक्चर मतलब अच्छा होगा, दुम छोटी होगी, मतलब छोटी दुम को मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे। सही। और निगाह शहर में उठ सकते हैं, क्यों नहीं उठ सकते, माशाल्लाह। नहीं तो आप कह रहे हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, दुम एक पत्ता होती है या छोटी दुम? मत दुम एक पत्ता और पर साइज में लंबाई में कम, लंबाई में कम, लेकिन अमूमन जो सियालकोटी कबूतर देखे जाते हैं वो एक पत्ता नहीं होते, 1.5 पत्ते तक होता है तकरीबन। बहुत असल में जो हमारे पास कबूतर हैं, आप अगर सियालकोट आपको इत्तेफाक हो तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, उनका इनके साइज जो है मतलब एक पत्ता नजर आएगा, और बहुत इनके बॉडी स्ट्रक्चर के वाले से इनके दरमियाने साइज के हैं, बहुत बड़े नहीं है। ये आप प्योरिटी की बात कर रहे हैं? ये प्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि प्योर कबूतर जो सियालकोट के होते हैं, हाँ बिल्कुल, उनमें बॉडी स्ट्रक्चर आपके मुताबिक, हम जो देखते हैं अक्सर औकात बड़े बड़े साइज के, वो तो हर नस्ल के कबूतरों में यानी कि ये होता है, आप कसूरी कबूतरों में, टैडी भी आपने देखे होंगे, हर कबूतर में मतलब होते हैं, लेकिन हमारे जो सियालकोटी पुराने कबूतर जो पसंद किए जाते हैं वो मतलब वाइट आँख के, और कह लें कि जो बटेरे हैं छत वाले हैं हमारे, उनके साइज ठीक है, नॉर्मल साइज है, नॉर्मल साइज के बेसिकली आप कहते हैं कि कबूतर। उस्ताद मलिक बाबर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं सर? बड़ा लगा, एहसान है, करम है, शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे उस्ताद मोहतरम ने तो बात की है कि बॉडी स्ट्रक्चर दुम एक पत्ता और छोटी दुम के जो कबूतर हैं। उस्ताद मोहतरम ने जो बात की है उन्होंने भी जो उनसे ना बड़ी सही बात की और अच्छी बात की है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सियालकोटी कबूतर है ना, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पहली तो ये बात है कि ये लोगों के जहन में ये है कि ये गर्मी में नहीं उड़ते, मेरा कहना ये है कि गर्मी में ये परफॉर्म करते हैं और बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। और बात वहीं पे आ जाती है उसके जो उनसे ना मेयार पे आ जाती है कि बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, हड्डी सबसे अव्वल चीज़, हड्डी अच्छी हो, हड्डी के साथ जोड़ है, जोड़ के बाद जो दुम है वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, यानी छोटी दुम का कबूतर होना चाहिए, सीना आगे से चौड़ा और गोल होना चाहिए। और ये तो बाबर भाई, ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, ये बातें तो आ जाती हैं एक अच्छे कबूतर की निशानियों में। जी जी, ये सारी चीज़ें तो हम कसूरियों में भी तो कहते हैं। ये मैं ये भी कहता हूँ कि ये अच्छे सियालकोटी कबूतर, हाँ जी, नस्ल और बॉडी स्ट्रक्चर जो है, अगर हम हर किसी में एक ही चीज़ मांगते रहेंगे तो फिर नस्ल की तो पहचान ख़त्म होगी ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि चाहे सियालकोटी है, चाहे कसूरी है, चाहे फिरोजपुरी है,
वो अपने म्यार में, अपने हसब नसब में, अपनी ब्लड लाइन में पूरा होना चाहिए। अब ये सियालकोटी कबूतर, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सियालकोटी कबूतरों में ये चीज़ें होंगी तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब कुछ लोग हैं, उन्होंने अच्छे सियालकोटी कबूतर ना देखे, ना उनके पास आए हैं, वो कहते हैं जी ये गर्मी में परफॉर्म करते ही नहीं है। जब वो उनके पास अच्छे नहीं आए, हाड़ में, यानी हाड़ में, मैंने 2018 में मेरी हाड़ की बाजियां थी और बच्चों की थी, उसमें मैं जो बच्चा चला जाता था, हाँ जी, उसकी जगह पे आप नहीं डाल सकते थे, तो मेरे उनसे ने ये वाइट ईगल कबूतरों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वाइट ईगल और वाइट गोल्ड आपके, वाइट ईगल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, यानी रोज की बाजियों में ना उन्होंने बड़ी अच्छी टाइमिंग की है। बॉडी स्ट्रक्चर भी हो गया, दुम एक पत्ता, छोटी दुम, गोल सीना, ये हाँ। ये चीजें हम जो है दूसरे कबूतरों में भी मांगते हैं, जो हमारे पास अमूमन कमग्गर कबूतर हो गए या और किसी भी इलाके के कबूतर, हम सब में यही चीज़ें मांगते हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि ये यहाँ पर हम बात को हम ख़त्म नहीं कर सकते बॉडी स्ट्रक्चर पर, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर तो आप किसी भी नस्ल में ही सेम ही मांग रहे होते हैं, हर जगह पे यही मांग रहे होते हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर कहाँ काम करता है। अब देखिए, आपने एक बात की कि हमारे ऐसी दुम हो, ऐसा जो है सीना हो, ऐसे पर हो, इस तरह का कबूतर हो, वो अच्छा होता है। लेकिन एक जगह हम कहते हैं कि सियालकोट में हवाएं चलती हैं, जी वहाँ का मौसम अलग है। फिर हम कहते हैं लाहौर, लाहौर में तो बहुत आलूदगी, लाहौर का मौसम ही अलग है। जी तो फिर बॉडी स्ट्रक्चर दोनों, आप जो अच्छे कबूतर की निशानियां आप सेम गिनवा रहे हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं हम अपने अपने इलाके के हिसाब से तैयार करते हैं। हमने जो बचपन में मतलब अपने असातिज़ा से, सियालकोट के जो पुराने उस्ताद से ना, उनसे जो सुना हुआ है हमने, वो ये चीज पसंद करते थे। सही, मैं आपको इनके नर्सरी का जो हमारा सबक है ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने सुना हुआ है। ठीक है, ठीक है, बाकी बातें जो है सब कबूतरों में, अभी लाहौर में क्या मांगते हैं ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हमारे जो जिनके पसंद किए जाते हैं सियालकोट के छोटी दुम्बू वाले कबूतर जो है ना, वो पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जो आपने बातें, जो बॉर्डर कबूतर हैं उनकी दुम्बे लंबी हैं, हमारे जो मोतियों वाले हैं उनकी दुम्बे लंबी हैं, उनको हम जब क्रॉस करते हैं तो फिर जो लाहौर मतलब शहर के हिसाब से उनको इनके मेंटेन करने के लिए क्रॉस डाल दिया हमने। अब वो शहर के हिसाब से आपने किन कबूतरों को मेंटेन किया? आपने अगर अपने गोल्डन कबूतर जो हैं उनको मेंटेन किया अपने शहर के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आपने सियालकोटी उनमें डाले। बिल्कुल, हमने अगर सियालकोटियों को अपने शहर के हिसाब से मेंटेन करना तो हमने फिर गोल्डन कबूतर उनमें डाले, लेकिन बात तो फिर वहीं आ गई, क्रॉस तो फिर वही हो गया। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर शहर का हिसाब क्या हुआ? देखिए, हम किसी भी कबूतरों को मतलब डीग्रेड नहीं करना चाह रहे, नहीं डीग्रेड की बात नहीं, हम जो ये कबूतर जो मतलब कबूतर कोई भी हो, हमारे लिए जो प्लेयर होते हैं उनके लिए सब कबूतर इनके बराबर होते हैं। ठीक है, वो अपने आज इलाके के हिसाब से उनको मेंटेन करना होता है, हम सियालकोट में अब क्या चलता है, यानी कि सियालकोट को क्रॉस करना पड़ता है, मैं कह लें कि सियालकोट ओरिजिनल कबूतर। मैं हालांकि जो दो मैं तकरीबन जो 97% जीता हुआ, 3% जो मैं हारा हूँ, जिन लोगों के पास 100% सियालकोटी कबूतर है उनसे मैं हारा हुआ, लेकिन मेरे पास 80% कबूतर जो टैडी गोल्डन है। आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास जो तादाद में ज्यादा कबूतर है। सही बाबर भाई, ये जो बात उस्ताद मोहतरम करें बिल्कुल सही करें, ठीक है जी जी। कि इनके पास ज्यादातर टेडी गोल्डन है, और जितने लोगों से ये ज्यादा ये बता रहे हैं कि इनको बीट जिन्होंने किया है उनके पास ज्यादातर सियालकोटी परसेंटेज ज्यादा है। देखें कामरान, मैं आपको एक बात बताऊं, बात वहीं पे आ जाएगी, ब्लड लाइन पे आ जाएगी, म्यार पे वहीं पे आ जाएगी। ब्लड लाइन पे कैसे आ जाएगी? उस्ताद जी ने तो कह दिया क्रॉस। हाँ जी, उन्होंने कहा कि अगर हम बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा। उस्ताद जी ने कहा कि हमें सियालकोट में अगर गोल्डन कबूतरों को उड़ाना है तो हम उसमें मोतियों वाला का क्रॉस डाल देते हैं। जी जी, मोतियों वाला और गोल्डन का क्रॉस हो गया जी जी सियालकोट में। उन्होंने अपने मौसम के हिसाब से बताया, और भी क्रॉस करते हैं हम, छत वालों वो अलहदा हो गया, लेकिन एक मिसाल एक क्रॉस पे आ जाते हैं ना, आप लाहौर में उड़ाते हैं, लाहौर में भी अमूमन आपने सुना होगा कि मोतियों वालों में गोल्डनों का क्रॉस या गोल्डनों में मोतियों वालों का क्रॉस। बिल्कुल सुना है ना जी जी, वो कहते हैं जी लाहौर के मुताबिक, तो फिर फर्क ये डिफरेंस कहां पर है? अब मैं आप दोनों जगह में मौसम पर सख्ती हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें उनके इलाके से वो जो आशिक भाई बात कर रहे हैं ना, उनके हिसाब से उन्होंने बताया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कबूतर जोन से है ना, मैंने जब ये सियालकोटी कबूतरों को क्रॉस किया ना गोल्डन कबूतरों में कमगरों में, तो तब भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। तब ये होता था कि ये अमूमन गर्मी में जब मेरी बच्चों की बाजियाँ चल रही थी,
फिरते चल रही थी, उनमें मेरा एक बच्चा जो उनसे है ना सियालकोटी और कमगरों में से निकला हुआ था, उसके बाद दो दिन बाद भी तीन दिन बाद भी निकालता था, वो रात रह जाता था। मेरी हैरत उस बच्चे ने गुम कर दी कि यानी यार ये अच्छी कौन सा मौसम है। हाँ जी हाड़ के दिनों में, हाड़ में, हाड़ में तो प्योर था वो ये नहीं सियालकोटी और कमगर, सियालकोटी और कमगर हो गया ना, कमगर हो गया। मैं प्योर की आज बात करना चाहता, प्योर की बात कर रहे हैं। मैं चाहो प्योर में ना मैं आपको बताता हूँ जी, प्योर तो देखें जी, प्योर बाबर भाई ने अमूमन मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन्होंने बात की है कि सियालकोटी कबूतरों की क्या बात है, और फिर ये अभी जो बात कर रहे हैं ये फिर कमगर क्रॉस की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा क्रॉस का मकसद ये था कि क्रॉस उस्ताद जी ने कहा जी इनको हम अपने मौसम के हिसाब से क्रॉस देते हैं इन दो को आपस में, मिसाल एक दी ना, वो तो आप करते हैं ना, तो वही मिसाल हमारे यहाँ भी चलती है कि इन दो को हम क्रॉस देते हैं मौसम के हिसाब से अपने लाहौर। बिल्कुल, तो मिसाल भी सेम है, कबूतर भी सेम है, क्रॉस भी सेम है, फर्क कहाँ पर है? रीजनल कबूतर जो है ना वो हम छोड़ते हैं रीजनल, क्योंकि मतलब हमारी जितने भी कबूतर परवर हैं जो ब्रीडर हजरात हैं वो कोशिश करते हैं कबूतरों को क्रॉस करके थोड़ा सा बिगाड़ के छोड़ा जाए, ताकि ये मेन मकसद तो बिगाड़ ये मकसद होता है। ठीक है, अब अगर बिगाड़ की तरफ आए तो उस्ताद मोहतरम काली आंखें भी निकल आती हैं, गहरी आंखें निकल आती हैं सियालकोटी कबूतरों में, गहरी अक्सर हम देखे ना गहरी आंखें बहुत गहरी हो जाती हैं। सियालकोटी कबूतरों में काली आंख है नहीं आती, मतलब हमारे पास एक कबूतर भी नहीं है, मतलब काली आंख ये तो होती है, मतलब लेकिन गहरी होती चली जाती है वो दूर से काली लगती है। सीमेंट आप कह ले, नहीं नहीं सीमेंट नहीं, मैली मैली आंख होती है, ठीक है, लेकिन वो मतलब बन जाती है, हो जाती है, वो जैसा क्रॉस करेंगे क्रॉस बनने से हो जाए, काली आंख नहीं आती। बेसिक देखिए जो छत वाले कबूतर है उनकी जालीदार आंख है, सीमेंटेड आंख है, ठीक है, सुरमई वो छत वालों की, जो हमारे बटेरे हैं उनकी व्हाइट आंख है, मतलब बेसिक कबूतर तो यही है। कबूतरों में भी गुलाबी डोरे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं, प्योर कबूतरों में। बिल्कुल, जो प्योर कबूतर क्रॉस करते हैं तो फिर आते हैं, नहीं साफ आंखों में ये बटेरे कबूतरों में भी आते हैं। अब आप प्योरिटी में पूछ रहे थे, मेरे पास प्योरिटी में 2018 में हाड़ के दिनों में, जारी बात है कि जिन दिनों में ये बाजियां चल रही होती हाड़ की तो फिर से सारी जेठ में आ रही होती है, तो मेरे पास सियालकोटी ओरिजिनल ब्लड लाइन में से ओरिजिनल बच्चा बहुत ज़्यादा उड़ा, जिसका नाम मैंने शेर रखा था। शेर मैंने इस वजह से रखा, उन दिनों में मेरे पास वायरस चल रहा था कुछ आंखों, गर्मी बहुत शदीद, गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी। वो बच्चा जब उड़ के आता था ना उसकी बेपनाह परवाज़ें जो दो दफा के सूजी भी बैठा, हाँ जी बेपनाह परवाज़ें जो उनसे ना रोज़ की बाजी में दो के पार की, तो वो जब आगे बच्चा बैठता था ना तो वो जो उनसे ना उसकी एक आंख बंद होती थी, सूज जाती थी, बंद हो जाती थी, बिल्कुल याद है। वो मैं ड्रॉप्स डालता था, ड्रॉप्स डालने के बाद जो उनसे है ना वो दो से तीन घंटे बाद जाके उसकी स्वेलिंग ख़त्म होती थी। बात करने का मकसद ये है कि वो मेरे पास गर्मी में जो उनसे है ना परफॉर्म किया उन्होंने प्योर हालत में भी ये परफॉर्म, तो इसका मतलब है कि सियालकोटी कबूतर प्योर हालत में परफॉर्म कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मजबूरी नहीं है टेडी गोल्डन का क्रॉस। दो तीन मिसाले देता हूँ, सियालकोट में एक कबूतरी हमारी उड़ी है, उसने एक नाम किया है राजू वाली कबूतरी के नाम से मशहूर हुई है, वो शेयर थी कि छत पे उसने तकरीबन, मैंने उसको तकरीबन 4 से 5 साल देखा है, वो एक तूफान मतलब बहुत शदीद तूफान था उसमें वो इनकी मिस हो गई थी, और शेख साहब ने उसका मतलब हजारों पे इनाम रखा था उस, और उसको आर्ट और टेलीविजन पे भी उसका यानी क्या मतलब क्या लगे केबल पे सियालकोट में उसकी एड चली थी। अच्छा, और उसके अलावा मतलब मेरे घर में हमीद वाली मोतियों वाली रीजनल मादी एक उड़ी है, उसने भी सियालकोट में नाम किया, रात पौने 8 बजे तक वो बैठी। आपका जो पहले जिस चैंपियन हुए थे आप? हाँ बिल्कुल, जिस साल में चैंपियन हो। और उसके अलावा पिपला में आप देख लें, मतलब कह रहे उनके आपने सुना हुआ है कि वो सियालकोटी कबूतरों को पसंद करते हैं, वो कहते हैं अब तो सियालकोट में भी नहीं है, लेकिन ऐसा ही बात नहीं है, सियालकोट में माशाल्लाह बहुत लोगों के पास लोग हमारे वो दिखाते नहीं कामर्स स्पोर्ट्स वाले कबूतर, आपने मिसाल सुनी है अगर किसी की नस्ल बिगड़ जाए तो वो डालें तो ठीक हो जाते हैं, तो माशाल्लाह कबूतर सियालकोटी निकल कॉमन वाले प्योर कबूतर हैं जी, प्योर कबूतर हैं वो, उनके पास छत वाले हैं मोतियों वाले चूहे कबूतर हैं, बटेरे हैं उनके पास। सियालकोटी कबूतरों में अगर किसी नस्ल में बिगाड़ पैदा हो जाए तो उन कबूतरों को डाला जाता है, कामर्स स्पोर्ट्स के कबूतर जो है ना वो मशहूर है हमारे। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि फिर टेडी गोल्डन की आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस देखिए हम प्लेयर हैं, मैं टेडी गोल्डन को शॉर्टकट कहता हूँ, शॉर्टकट ये कबूतर परवी का शॉर्टकट है। अच्छा। क्योंकि आम है, सही हो गया। और जो ये कबूतर है ना हमारे में सियालकोटी ये मतलब खास है, चंद लोग हैं वो दिखाते नहीं है ये मेहनत, चंद लोगों के पास है, जो चीज आम होती है मैं इसको शॉर्टकट कहता हूँ टेडी गोल्डन को।
सही हो गया बाबर भाई, आप क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी सियालकोटी कबूतर उड़ा चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कामरान भाई, बात सारी जाती है, अकल किसी की विरासत नहीं है। अमूमन हुआ ये है कि कसूर वालों ने कबूतर जो है ना अपने बाइंड निकाले हैं। सियालकोट के साथ एक ये अंधिया रहा है कि सियालकोट वालों ने कबूतर बाइंड नहीं निकाले, ज्यादातर इनको बाइंड निकाला बाइंड दिया नहीं, मगर जी जी नहीं, नहीं सारी दुनिया में सियालकोट नहीं नहीं कबूतर जो बड़े जा रहे हैं ना, हमने सुना नहीं कबूतरबाजी का, और वहां पे जब गए तो सियालकोट कोयटा तक भी पड़े। हुआ पता क्या कि मेन चीज आप ये है कि आपके पास गाड़ी आ गई है मर्सिडीज, मर्सिडीज को मेंटेन भी तो रखना है। कबूतरबाजी में चाहे वो सियालकोटी है, चाहे वो कसूरी है, चाहे वो फिरोजपुरी है, उसको उसके म्यार पे बरकरार पे रखना जो उनका सारा असल काम यही है। अब कुछ लोगों ने इनमें बिगाड़ पैदा कर लिया, कुछ लोगों ने इनमें इसमें जिद्दत पैदा कर ली है, और जिन्होंने जिद्दत पैदा की, अब मेरे पास जो सियालकोटी कबूतर है ना वो इस तरह जैसे रूह के गोले हैं, लेकिन साइज के बड़े हैं आपके, साइज के बड़े हैं मेरे पास, साइज के बड़े मेरे पास, बड़े चौड़े साइज के, और वो जब हाथ में उनको पकड़ते हैं ना, जब हाथ में उनको पकड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम लोग गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है। उनका वेट कोई नहीं है, उनके परों की लेंथ स्टेट पर के कबूतर है, बड़ी और चौड़ी बगल के कबूतर, स्टेट पर के कबूतर सियालकोट के कबूतरों में नहीं कभी देखे मैंने। सर मेरे पास नहीं देखे इसमें बिल्कुल सीधा सर स्टेट पर के कबूतर है, प्योर बिल्कुल प्योर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखे मैं ऐसे किया हुआ हाथ, आप देख रहे हैं कैसे उंगली के साथ जुड़ी हुई है उंगली, ये इसका मतलब है कि ये मजबूती है। कबूतर का भी पर जून सा ना ऐसे ही होना चाहिए, जब इसमें ऐसे 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 गैप आ रहा है ना तो ये कमजोर होता जाएगा, ये भी कमजोर होती जाएगी, ये भी कमजोर। आप जैसे नहीं शॉर्टकट की जो बात इन्होंने की है उस पर आए ना, इन्होंने कहा कि टेडी गोल्डन शॉर्टकट है, शॉर्टकट से क्या बनाते हैं, तैयार हो जाते हैं। नहीं शॉर्ट ये नहीं, ये आम है हर बंदे के पास, हर बंदे के पास है, तादाद ज्यादा है इनकी, इसलिए मतलब कामयाब हुए तो तादाद ज्यादा है। किसी ने मतलब टूर्नामेंट बाजी खेल करनी है तो ये आम मिल जाएंगे आपको, कामयाब हुए तो तादाद बड़ी है। आपके पास भी तो देखे ना, कामयाब हुए तो अब कई हजार, माशाल्लाह अच्छे कबूतर हैं, हमारे पास अगर है तो अच्छे है ना। हमारा जो रिजल्ट है 7 बार चैंपियन बने या मतलब आपको पता ही है हमारा जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ये अच्छे कबूतर हैं, सब पहली दफा, सब अच्छे। पहली दफा जब आप चैंपियन हुए थे तो एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, हाँ जी बिल्कुल, कई गानों के साथ कई लोगों ने लगाई, हाँ बिल्कुल। वो कबूतर कौन सा था? वो F16 कबूतर था, उसको मैं उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताएगा, ग्लोदू कबूतर था वो, ग्लोदू। तो उसके साथ मैंने 2-3 वादियां चेंज की हैं, पहले मैंने उसके साथ बटेरी लगाई थी उसका बच्चा, और फिर मैंने मियां रऊफ के घर की थी डॉक्टर याज से, मतलब वो वादी आई थी मेरे उस्ताद ने मुझे दी थी, दोनों मादियां उस्ताद मोहतर चौधरी आसिफ साहब ने दी थी, और वो उस ग्लोदू कबूतर के साथ लगाई थी, और दोनों के बच्चे बाजियों में टूर्नामेंट में उठते थे। और एक दफा ऐसा हुआ कि अब F16 दो तरह के है ना, लाल आंख के अलग, लाल आंख के जो अलग, इसी वजह से बिल्कुल वो लाल आंख के जो है ना वो उस मादा से, मादा से, और जो दूसरे है मतलब ओरिजिनल तो मैंने मतलब एक दफा चैलेंज किया था, 7 बाजियां मेरी थी एवरेज की, 2007 की बात है, 7 बाजियां थी, और मुझे एक बंदे ने कहा कि आप मेरे साथ आखिरी कबूतर लगाओ। मैंने कहा मैं आखिरी कबूतर का मुकाबला नहीं करता। उसने कोई बात गलत की, मैंने उसको बोला कि आप एक छत की बात कर रहे हो, मैं जितने भी टूर्नामेंट हमारे इलाके में उड़ रहे हैं उस मैं सबको मतलब जीत के बैठूं, जीत मारा कबूतर जो है वो जीत के बैठेगा। उस दिन वो कबूतर मेरा 6:21 पर बैठा था, 1,37,004 मोबाइल और एक फ्रिज उसमें उस दिन मैंने जीता था बहादुर कबूतर। सब लोगों ने जब बाजी लगी थी कामरान भाई, सब लोगों ने कहा था कि आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की और आप बेवकूफ हो। उस्ताद मोइन नवाज का मुझे फोन आया, उसने कहा मैंने सुना इस तरह की आपकी बाजी लगी है। मैंने कहा बिल्कुल लग गई है। उसने कहा जीतोगे? उस्ताद मोइन नवाज ने कहा, मैंने कहा उस्ताद जी एक बात बताओ, सब लोगों ने मुझे कहा कि आपने ये बेवकूफी की और हारोगे, तुमने बाजी जो है ना मतलब चैलेंज गलत कर दिया, मतलब गलत चैलेंज मैंने नहीं किया, जो भी चैलेंज, जो भी आपकी बाजी अच्छी नहीं लगी, सबने मतलब मुझे मतलब बुरा भला कहा। साहब मोइन ने कहा जीत जाओगे, मैंने कहा मुझे एक बात बताया, सबने कहा आप हार जाओगे और आपने कहा जीत जाओगे, मैंने कहा वजह? उसने कहा कभी बुजला ने भी पंजाबी उन्होंने कभी बुजला ने भी मैदान जाके जीते हैं, क्या बात, आपने बहादुरी की आप जरूर जीतोगे। और जब वो कबूतर बैठ रहा था चौधरी मोइन नवाज स्पेशल मेरे पास आए
और आगे मुझे मुबारकबाद दी थी और वो मेरा F-16 था जो है ना वो जीत गया। वो ग्लोदू था, वो ग्लोदू, हाँ ग्लोदू, और वो जो मगर के साथ क्रॉस था, क्रॉस था। तो लेकिन बात वही आगे की, लेकिन रीजनल जो रीजनल था वो इनके वो रहा था कि सुबह आया था, वो नजर भी नहीं आया और सुबह आया था। जो बैठ गया वो क्रॉस में, वो था, क्रॉस में था। जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल था वो इनके रात को, मतलब अक्सर रात है सुबह सुबह आता था। ये कौन से मौसम की बात है? ये इनके बैसाख के, मतलब बैसाख गर्म मौसम की बात है। आप कह लें कि पूरा सियाल को 2:30 बजे बैठ गया था और वो इनके मेरा कबूतर 6:21 पे बैठा है। तो इसका मतलब है कि टेडी और लाल आंख का क्रॉस बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। सियालकोटी कबूतर आप कह रहे हैं जी ओरिजिनल जेन्युइन हालत में उड़ रहे हैं। अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, F-16 कबूतर हमारी छत पे 5-6 साथी कोर कमांडर के साथ बैठ रहा है, ओरिजिनल सियालकोटी कबूतर है। मौसम पर अगर हम आ जाए तो लाहौर और सियालकोट में लोग कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है, आप मानते हैं इस बात का? फर्क है, किस तरह से? देखिए जी, इनका जो उनसा मौसम है ना, हवा में हम देखते हैं नमी का तनासब, जो हवा में नमी का तनासब है ना लाहौर में वो काफ़ी कम हो जाता है। आप अभी लाहौर में शौक कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लाहौर के गिर्द नवा में शौक करें। जी लाहौर के गिर्दो नवा में शौक करें, मेन लाहौर में तो आप शौक नहीं कर रहे, तो नमी का तनासब मैंने किया, मैंने फ्रूट मंडी पुरानी किया, सब्जी मंडी पुरानी, फ्रूट मंडी क्या कहलाते हैं? अब देखिए फ्रूट मंडी और यहाँ में आप देखिए फर्क है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के राउंड बोर्ड बोली के वो कोई फर्क नहीं, वो तो सेम ही होता है। नहीं नहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, लेकिन वो ट्रैफिक और ये वो चीजें बहुत यहाँ पे असरअंदाज तो होती है ना। वहाँ पे जो इनकी पुरानी छत थी वहाँ की बिल्डिंग्स, हाँ जी, वहाँ पे हर हर जगह पे जाल, वहाँ पे लाइट्स, वहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो नीचे इतनी मट्टी उड़ती है और अगर आप किसी छत पे खड़े हो जाएं तो आपको सामने देखते हुए ऐसा लगेगा जैसे धुआं और घटा इस तरह के बादल है। मेरे पास, लेकिन यहाँ पर इस तरह का नहीं है। मेरे पास आबो हवा तो लाहौर में भी चेंज है इनकी। मेरे पास कैमरा में ही देखे 2015 और 2016 जेट में दो बहने उड़ी है, 10 नंबर, छोटी 10 नंबर बड़ी 10 नंबर, वो क्रॉस था सियालकोटी और टैडी, उनके बच्चे शाम शाम के ही आए ऑन दी रिकॉर्ड वहां पर। हाँ जी वहां पे। और जी मैं आपको एक बात बताऊं कि टैडियों के साथ भी सियालकोटियों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कसूरियों के साथ तो आता आता है। बात वही फिर आ जाएगी कि आपके पास पहले जो उनसे ना कबूतर अच्छे होने चाहिए, मियारी होने चाहिए। अब सियालकोटी कबूतर हैं उनमें बहुत कबूतर ऐसे निकलते हैं, ठप्पे निकल आते हैं, नहीं उड़ते, और यही चीज कसूरियों में। आप मानते हैं कि लाहौर का मौसम और वहाँ जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा? नहीं, ये जमीन आसमान का तो नहीं है, कह लें कि 100 किलोमीटर पे कितना जमीन आसमान होगा, जमीन तो एक ही होगी। तो लेकिन हम तो यहाँ पे यही सुनते हैं कि लाहौर सियालकोट में जमीन आसमान का फर्क है। बाबा भाई जिस सेंस में भी बात कर रहे हैं, मतलब वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे होंगे, हमारा यानी कि आप सियालकोट वाले कहते हैं कि लाहौर और सियालकोट का जमीन आसमान का फर्क है। वो सियालकोट को कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन उसमें मतलब वेदर है, इसमें खतरनाक तो सियालकोट वैसे ही है, साथ बॉर्डर लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। चौधरी सखी ने, आपको पता है चौधरी सखी मतलब 2006 में जो चौधरी मोइनवा से उनके मुकाबले थे, चौधरी सखी ने भी सियालकोट को जो खतरतरीन मतलब कहा था कि जी इसका मौसम की समझ ही नहीं आती, सुबह झंडी के वक्त हवा होती है, फिर दोपहर को भी हवा होती है, ठीक है वो तो मतलब हमारे तो, लेकिन टेम्परेचर हमारे भी कह लें कि वो जाता है लाहौर से, एक दो होता है फर्क। आप कह लेंगे एक तो मतलब कह लें कि सेल्सियस का फर्क होगा, वो मतलब वो तो हर इलाके में वो तो एक कमरे से बाहर आप रखें तो फर्क होता है इसी तरह। लेकिन नमी का तनाव हमारे ज्यादा वहां पर नहीं, इतना नहीं है, आप चेक कर लें, अगर आप रेगुलर अगर चेक करेंगे तो दो तीन, देखिए 2-3 पॉइंट का फर्क होगा नमी का। जो हम कहते हैं उस्ताद मोजे शाह साहब की छत पर जाओ तो वहां से तो पहाड़ नजर आते हैं, वहां से सियालकोट पहाड़ नजर नहीं आते हैं, जब बारिश हो तो लाहौर से भी नजर आते होंगे, लाहौर से तो नजर नहीं आते। ये है ना कि कामरान भाई जो हमारे यहाँ पे है ना, बाज आप देखिए जब आप जेट में जाएंगे ना तो हवा में नमी का तनासब 8 से 9 भी आ जाता है। किधर? लाहौर में। कब? जेट के दिनों में। रोज? नहीं नहीं अमूमन ज्यादातर आता है, ज्यादातर आता है सर लाहौर में। आपने देखा था आज से 2 साल पहले बैसाख में जो हवा चली थी? जी जी। सबसे आखिरी कबूतर मेरा ख्याल काके कसाई का बैठा था अपना, 1 बजे बैठा था जेठ में, 1 बजे आखिरी कबूतर बैठा था। जी जी। 1:45 बजे उसके बाद कबूतर कोई नहीं बैठा था। सर मैं वही तो आपको बताने लगूंगा, आप थोड़ा सा मुझे तफसील में जाने देंगे तो जी जी मैं बताऊंगा ना भाईजान। हवा में नमी का तनासब इतना
गंदा हो जाता है लाहौर में कि यकीन करें उसको हम फिर पता क्या कहते हैं, जब ये तनासब आ जाता है ना फिर उसको लफज हम दे देते ढावी ढावी कि ढावी चल पई है, आज अल्लाह करे कबूतर पूरे हो जाए, उस दिन कबूतर पूरे करने और जेड़े कबूतर उपरों आंदे है ना जिस दिन ढावी चल जाती है हड्डों नमी का तनासब हो जाता है फिर फाड़ो फाड़ो हो जाती है जी। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि बारबेक्यू टुनाइट और सियालकोट स्वीट्स की तरफ से हमारा ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर्ड है और दीगर तमाम इश्तराक के जो है डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये शो भी आपको पसंद आ रहा होगा। जल्दी हम वापस आते हैं और दोबारा बात करते हैं।